दोस्तों, वैसे तो टीवी पर आए दिन कई शोज आते जाते रहते हैं, पर उनमें से कुछ ही शोज ऐसे होते हैं जो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो पाते हैं। तभी तो इन शोज को दर्शक इनके खत्म हो जाने के बाद भी काफी ज्यादा याद करते हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ सपने सुहाने लड़कपन के, जिसमे किरदार था गुंजन का, जो एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़की होती है और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करती है। क्योंकि इसी मस्ती भरे अंदाज और चुलबुले किरदार को पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री हैं रूपल त्यागी, जिन्होंने अपने इस किरदार से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाकर खूब वाहवाही बटोरी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपनी क्यूट सी स्माइल और चुलबुले अंदाज से जाने माने वाली अभिनेत्री रूपल त्यागी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वो अपनी सारी हिम्मत हार गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि ये डिप्रेशन में चली गई थी। पर हिम्मत न हारते हुए इन्होंने डिप्रेशन को हरा कर उस समय जीत हासिल की थी। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन फेज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, साथ ही रूपल त्यागी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2007 में पॉपुलर सीरियल कसम से में रिया का छोटा सा किरदार निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री हैं रूपल त्यागी, जिनकी शुरुआत भले ही इतनी धमाकेदार ना रही हो, पर अपने टैलेंट और काबिलियत के चलते इस अभिनेत्री ने अपने जीवन में बेहतरीन शोज कर खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है इनके पहचान दिलाने वाले शो सपने सुहाने लड़कपन को, जिन्हें ये खुद भी अपने करियर को इतना सफल बनाने का श्रेय देती है। पर आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इनका यही शो इनके डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार भी रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यही है वो शो जब इन्हें अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा था, क्योंकि यही वो शो था जब रूपल त्यागी की मुलाकात इनके को एक्टर अंकित गेरा के साथ हुई और ये उनके साथ प्यार में पड़ी थी, जिसका अंजाम ये रहा था कि अंकित गेरा ने इन्हें धोखा दिया था। क्योंकि जिस वक्त ये रूपल त्यागी को डेट कर रहे थे, उसी दौरान अंकित टीवी की मशहूर अदाकारा आदा खान को भी डेट कर रहे थे, जिसकी खबर जब रूपल को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और अपने प्यार में इस तरह धोखा खाने के बाद रूपल खुद को संभाल ना पाए, जिसका असर इनके काम पर दिखना शुरू हो गया। और यही वजह थी कि धीरे धीरे इनकी पत्नी एक्टिंग में पकड़ कम होने लगी, जिसकी वजह से इन्हें कई बार सेट पर फटकार खानी पड़ी थी, जिससे इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया और इसका अंजाम हुआ इन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। और यही वो टाइम था जब ये खुद को अकेला रखना पसंद करने लगी, इन्होंने खुद को दुनियादारी से अपने करियर से सबसे ही अलग कर लिया था और बस एक कमरे में बंद रहना अपना पूरा दिन गुजार दिया करती थी, जिसके बाद कई बार इनकी फैमिली ने इन्हें हिम्मत देने की कोशिश की और डॉक्टर तरफ से कंसल्ट किया, पर इन सब का तब तक कोई फायदा नहीं हुआ जब तक इनके क्लोज फ्रेंड ने इनसे पूछा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। कहा गई वो रूपल जिसने हमेशा हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत और बहादुरी के खुद को हर बुरे समय में प्रूव किया। और यही सब बातें सुनकर रूपल ने खुद से भी यही सवाल किए और फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी की इस फेज से निकलने के कई तरीके सर्च किए, योगा एंड मेडिटेशन का सहारा लिया और खुद को एक बार फिर मैदान में उतरने की कोशिश की, और इनकी ये कोशिश सफल भी रही। इन्हें साल 2019 में शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो में काम करने का मौका मिला, जिसके साथ इन्होंने दोबारा से ही अपने पहले एक मुकाम को हासिल करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपका रूपल त्यागी के इस डिप्रेशन फेज के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।